हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज का मेरा है राइट शोल्डर का, ये हुआ है तो इसका मैं 3D इमेज कैसे बनानी है इसका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके बाद ये थिन सेक्शन को, सॉफ्ट विंडो थिन सेक्शन को मैं रिफॉर्मेट में डालूँगा। मैं डाल रहा हूँ रिफॉर्मेट में। रिफॉर्मेट में डालने के बाद देखो, जैसे आप एक्सियल कॉर्नर देते हो वो तो आपको देना ही है इसमें। उसके बाद ये 3D देना है आपको। तो उसके लिए क्या करना है आपको, VR में जाना है। डबल क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा। ठीक है ना, इसको भी हटा दे रहे हैं। एक्चुअली मैं क्लेविकल और शोल्डर ही देना है। ये सारी रिप्स हटा लेनी है ताकि स्केपुला अच्छे से शो हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये भी रिप्स सारे हटा लेनी है। ठीक है ना, अभी हो गया ये कंप्लीट। ये हैंड दिख रहा है ना आपको, ऊपर हैंड, यहाँ पे जाना है, डबल क्लिक करना है। उसके बाद ये हमारा 3D बन गया है, कंप्लीट हो गया। देखो आप लोग, बन गया ना 3D। माई टूल में जाओ, बैच पे जाओ, अभी इधर आ रहा तो यहाँ क्लिक करो, लूप पे जाओ, एक बार ऑब्लिक पे क्लिक करो तो ये दिख जाएगा। ये देखो दिख गया ना, तो वापस लूप पे ही जाना है। सेट स्टार्ट पे करना है क्लिक। इसमें सेट स्टार्ट तो कुछ नहीं करना है, इसमें तो हमें डायरेक्ट इमेज ही बननी है। कितनी इमेज चाहिए मुझे, मान लो मुझे 20 इमेज चाहिए, तो मैंने यहाँ 20 में ही डाल दी। मैंने बना रखा है इसलिए मैं प्रीव्यू ही करूँगा, आपको ओके करना है। ये देखो बन गया ना। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसको डालना है मैनुअल फिल्म पे। डालने के बाद ये मैंने मैनुअल पे डाल दी। थोड़ा एक्स्ट्रा लंबी इसमें मैंने दे दी थी, वो पेशेंट वहाँ भी दर्द के लिए बोल रहा था। तो मैं ये मैनुअल फिल्म ले रहा हूँ। ठीक है ना, एक इमेज में हटा दे रहा हूँ। और इसके बाद ये वाली भी हटा दे रहा हूँ एक इमेज। अब मेरे पास 16 इमेज हैं, इनको जूम करना है ताकि इतना जूम नहीं करना कि कट जाए, थोड़ा सा केयरफुली ओके ध्यान से जूम करना है। आप इस टर्नम चाहो तो ना दो, मैंने अभी जैसे बनाई थी आप वैसे भी बना वैसे बना के दे सकते हो। अगर पेशेंट को उसमें भी कंप्लेंट है तो वो भी देनी पड़ेगी। अगर डॉक्टर रिक्वायरमेंट डालता है तो कि मुझे इस टर्नम भी चाहिए तो आपको वो भी देना पड़ेगा। ठीक है ना,
इस तरीके से आपको फिल्म बना के देनी है इसकी। थोड़ा जूम और कर लो इस तरीके से। ये जूम करने के बाद आपको प्रिंट देनी है और एक्सेल सेक्शन भी देने हैं, कॉर्नर भी देने हैं, उसके बाद ये 3D भी देनी है। और जूम इससे होता है, ये ऑप्शन दिख रहा लेंस, ये जूम का है। ये हमारा विंडो सेट करने के लिए है, कंट्रास्ट का, ठीक है ना। ये एनोटेशन डालने के लिए है, इससे हम अपनी इमेज को लेफ्ट राइट अप डाउन कैसे भी कर सकते हैं। ये हैंडो दिख रहा है, G16/Revolution मशीन है ये, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रिंट का ऑप्शन है, इससे प्रिंट पेज होगा, सिर्फ ये वाला पेज प्रिंट होगा। ये प्रिंट और अगर मेरे पास 3-4 पेज मैंने और बनाए हैं, जैसे मैं एक्सेल बनाए हैं, कॉर्नर बनाए, तो एक साथ इससे हम प्रिंट दे सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो मेरा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें टेक्नीशियन रेडियोग्राफी चैनल को।